सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सीकर ने पूछा है, सर एनलाइटेंड लोग नार्सिसिस्ट का मुकाबला कैसे करते हैं और उनका बिहेवियर साधारण व्यक्तियों के बिहेवियर से किस प्रकार भिन्न होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा कि जो एनलाइटेंड लोग होते हैं वो अपने इनर सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो माइंड के अंदर से नहीं आती, उनकी सेल्फ अवेयरनेस इंडिपेंडेंट सेल्फ अवेयरनेस होती है। वास्तव में ये इंडिपेंडेंट इनर सेल्फ अवेयरनेस ही हमारा सच है। माइंड के अंदर एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, माइंड के अंदर रिफ्लेक्टेड सेल्फ अवेयरनेस होती है। और ये जो हमारी इनर सेल्फ अवेयरनेस है, ये हमारी इनर सेल्फ अवेयरनेस ही हमारी हैप्पीनेस का मेन स्रोत है। अगर आप वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट को और वेस्टर्न न्यूरो साइंटिस्ट को अगर आप उनकी बात को सुने तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो माइंड के अंदर से आती है। और यहीं पर हमारा जो शास्त्र है और जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट्स हैं उनके बीच में एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर हमारी सेल्फ अवेयरनेस हमारे माइंड के अंदर से आती है, तो माइंड के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी या डिफॉर्मिटी पैदा हो गई, या माइंड के अंदर कोई ऐसा न्यूरल स्ट्रक्चर पैदा हो गया जिसको कि हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब हम किसी भी परिस्थिति को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एनलाइटेंड पर्सन ऐसा नहीं मानता। एनलाइटेंड पर्सन इसके विपरीत इस तरीके से जीता है कि उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो माइंड की सेल्फ अवेयरनेस से अलग है। वो फिटनेस सेल्फ अवेयरनेस में जीता है। माइंड की सेल्फ अवेयरनेस को वो विटनेस करता है और उसकी खुद की जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और वही उसकी हैप्पीनेस का स्रोत होता है। अभी आप देखेंगे जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट्स हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नार्सिसिस्ट की को क्योर नहीं किया जा सकता और नार्सिसिस्ट के जो विक्टिम्स होते हैं उनको विक्टिम्स को का कोई रास्ता नहीं है, उनको कोई उनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, उन्हें भागना चाहिए, हैं दे शुड रन अवे, इस तरीके से बोलते हैं। इसका मूल कारण यही है क्योंकि वो उनका ऐसा मानना है कि हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो माइंड के अंदर से आती है, हमारे अंदर कोई इंडिपेंडेंट सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अगर हम अपनी इंडिपेंडेंट सेल्फ अवेयरनेस को पहचान जाएं, इफ माइंड के अंदर कोई डिफॉर्मिटी अगर है भी तो भी इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो तो हमारा इनर सेल्फ आएगा, डिटैच्ड सेल्फ है जिससे आएगा, जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है वो हमारे इनर सेल्फ से आएगा, ना कि हमारे आउटर सेल्फ से, जिसे कि हम विटनेस कर सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम भी अपने इनर सेल्फ को एक्टिवेट कर सकते हैं जैसे कि एक एनलाइटेंड पर्सन अपने इनर सेल्फ को एक्टिवेट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसी की तो टेक्निक है जाप। तो जब हम जाप करते हैं तो क्या होता है, जाप करते हैं तो हमारे थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रुक जाते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स हमारे रुक जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो माइंड है वो पैसिव हो जाएगा। जब माइंड पैसिव हो जाएगा तो हमारी जो इनर सेल्फ की जो अवेयरनेस है वो एक्टिव हो जाएगी, और जब इनर सेल्फ की अवेयरनेस एक्टिव हो जाती है तो हम बेसिक सेल्फ में अपने चले जाते हैं, और बेसिक सेल्फ के अंदर ही हैप्पीनेस है। देखिए, आप कभी कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि आप घर में बैठे हुए हैं और आप जो है थोड़ी देर के लिए आप जीवन को वह जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं और बस आपका माइंड शांत हो जाता है। जैसे ही आपका माइंड शांत हो जाता है तो आप अपने बेसिक सेल्फ में चले जाते हैं। आप किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहते। जैसे आप कभी घर से बाहर निकलिए और आप सूरज को उगता हुआ देखिए तो आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। आप कुछ भी बदलना नहीं चाहते, ना आप आसमान को बदलना चाहते हैं, ना सूरज को बदलना चाहते हैं, ना रोशनी को बदलना चाहते हैं, सब कुछ आप वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो बस आप अपने बेसिक सेल्फ में चले जाते हैं और वही बेसिक सेल्फ आपका हैप्पीनेस देता है। तो एनलाइटेंड पर्सन उस बेसिक सेल्फ से निकलने वाली जो हैप्पीनेस है उसको ठीक से रिकॉग्नाइज कर पाता है, आप उसे ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो जब आप जाप करते हैं तो आप उसी बेसिक सेल्फ में चले जाते हैं। इसीलिए मैं जाप की टेक्निक बताता हूँ जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है। फिर आप जो है एक और टेक्निक है जिससे कि आप अपने बेसिक सेल्फ में जा सकते हैं और वो है बेली ब्रीदिंग। तो आप उसकी भी टेक्निक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो आप डीप ब्रीदिंग करते हैं पेट से, तो जब आप डीप ब्रीदिंग पेट से करेंगे तो क्या होगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। जब आप स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने से आपका माइंड जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इनर सेल्फ अवेयरनेस का पता चलना बंद हो जाता है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, पेट से सांस लेते हैं, तो फिर आपका जो इनर सेल्फ है वो एक्टिव हो जाता है और माइंड पैसिव हो जाता है, क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बताता है कि लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, लाइफ काम है, कंपोज्ड है, रिलैक्स्ड है, वो रिलैक्सेशन का सिग्नल देता है। तो जब रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है तो हमारा माइंड जो है वो पैसिव हो जाता है, तो हमें इनर सेल्फ अवेयरनेस का पता लगने लग जाता है और उससे हम हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं, क्योंकि वही हमारा बेसिक सेल्फ है। तो इस प्रकार एनलाइटेंड पर्सन हमेशा अपने बेसिक सेल्फ में रहता है और बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस प्राप्त करता है। तो चूंकि वो हैप्पीनेस बेसिक सेल्फ से प्राप्त करता है, इसलिए वो उसको क्यों क्या जरूरत है दूसरे से वैल्यूएशन प्राप्त करने की या दूसरे के डीवैल्यूएशन पे ऑफेंड होने की, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो एनलाइटेंड पर्सन में और आम आदमी के अंदर यही एक मूल फर्क है कि आम आदमी अपने हैप्पीनेस हमेशा दूसरे के ऊपर उसके लिए डिपेंडेंट रहता है, जबकि एनलाइटेंड पर्सन अपने बेसिक सेल्फ पर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड करता है। और चूंकि वो अपने बेसिक सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है और बेसिक सेल्फ कोई किसी का छीन नहीं सकता, तो जाप और डीप ब्रीदिंग इत्यादि टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपने इनर सेल्फ से प्राप्त होने वाली हैप्पीनेस को लगातार हार्नेस करता है, इसलिए बाहर उससे कोई क्या कहता है ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन जो नार्सिसिस्ट की मेन स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो पहले आपको वैल्यूएशन देता है फिर डीवैल्यूएशन करता है, और इस प्रकार जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, घबरा जाते हैं, तो फिर वो आपको आपकी इसी इमोशनल प्रॉब्लम को हार्नेस करके आपको कंट्रोल करता है और आपके जीवन को अपने काबू में ले लेता है। लेकिन चूंकि जो हमारा एनलाइटेंड पर्सन है उसके ऊपर वैल्यूएशन डीवैल्यूएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसको काबू नहीं किया जा सकता, तो नार्सिसिस्ट को इस प्रकार डील करता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नार्सिसिस्ट को एनलाइटेंड पर्सन डील करने में यूज करता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने वाली है एनलाइटेंड पर्सन के बारे में, वो ये है कि एनलाइटेंड पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो जेन्युइन और रिलायबल बिहेवियर है। क्यों जेन्युइन और रिलायबल बिहेवियर है एनलाइटेंड पर्सन का? उसका बिहेवियर जेन्युइन और रिलायबल इसलिए है क्योंकि वो अपने बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस डिराइव करता है, और जब उसे अपने बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस मिल रही है तो वो बाहर क्यों अनरिलायबल बिहेवियर करेगा, बाहर क्यों इनजेन्युइन बिहेवियर करेगा? तो इसलिए याद रखिए कि एनलाइटेंड पर्सन का बिहेवियर हमेशा कैसा होगा? जेन्युइन और रिलायबल। अब मान लीजिए कि किसी आदमी का बिहेवियर जेन्युइन और रिलायबल है, तो उसको आसपास उसके जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उस एनवायरनमेंट में, उनको अपना बिहेवियर जेन्युइन और रिलायबल रखना पड़ेगा। तो नार्सिसिस्ट कभी भी अपना बिहेवियर जेन्युइन और रिलायबल नहीं रखता है, लेकिन जैसे ही वो एक एनलाइटेंड पर्सन के संपर्क में आता है तो उसे अपना बिहेवियर जेन्युइन और रिस्पॉन्सिबल रखने का प्रयास करना पड़ता है, वरना नार्सिसिस्ट से ये प्रश्न कर देता है एनलाइटेंड पर्सन कि आपने ये क्यों जेन्युइन और रिलायबल बिहेवियर नहीं है, या प्रेशर क्रिएट कर देता है, या उसके जेन्युइन और रिलायबल बिहेवियर को देखने की वजह से नार्सिसिस्ट के अंदर एक दबाव पैदा होता है, उसके अंदर एक क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज उसकी उभर आती हैं, और इस तरीके से नार्सिसिस्ट का जो असर है वो कम हो जाता है, वो खुद अपने ही इनसिक्योरिटीज की ग्रिप में आ जाता है और डिफेंसिव हो जाता है। तो एनलाइटेंड पर्सन का जो जेन्युइन और रिलायबल बिहेवियर है वो खुद ही नार्सिसिस्ट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का काम करता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि नार्सिसिस्ट को एनलाइटेंड पर्सन कभी शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करता, कभी उसे अपमानित करने की कोशिश नहीं करता अपनी तरफ से। नार्सिसिस्ट को डील करने का एनलाइटेंड पर्सन का तरीका ये है कि अगर उसे कोई उसकी बात पसंद आएगी तो उसकी तारीफ कर देगा, और अगर पसंद नहीं आएगी तो उसके मुंह पे ही कह देगा। तो वो सिर्फ वास्तविक बात कहता है बस, वो किसी को शर्मिंदा करने का, अपमान करने का कोई काम नहीं करता। और वास्तविक बात कहने की स्ट्रेंथ एनलाइटेंड पर्सन के अंदर कैसे आती है, या आपके अंदर भी आ सकती है, ये वास्तविक बात कहने की स्ट्रेंथ उसके अंदर इसलिए आती है क्योंकि उसने जाप से
और वेली ब्रीदिंग से अपनी जो फियर है, जो डर है, उसको फिल्टर आउट कर दिया है। उसके अनकॉन्शियस माइंड में डर नहीं रहता, डर फिल्टर आउट हो चुका होता है। और जब आपके अंदर डर नहीं रहता तो फिर आप यू कॉल स्पेड अ स्पेड, जो चीज सही है उसको आप बोल देते हैं, और जब आप जो चीज सही है उसको बोल देते हैं तो दूसरे को बिना शर्मिंदा किए हुए भी उसकी गलतियों के ऊपर आप उसके ऊपर एक दबाव पैदा कर पाते हैं। तो नार्सिसिस्ट को डील करने में एनलाइटेंड पर्सन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है कि उसकी ट्रूथफुलनेस खुद रिप्लाई करती है उसे, कि कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ता है नार्सिसिस्ट को ह्यूमिलिएट करने के लिए या अपमानित करने। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एनलाइटेंड पर्सन जो है वो कभी भी ग्रजेज अपने दिमाग में नहीं रखता दूसरे के प्रति। कुछ अकाउंट्स नहीं बनाता कि इसने ऐसे उस दिन क्यों बोला था, इसने ऐसे उस दिन क्यों बोला था, ये ऐसे क्यों कहता था, ये वैसे क्यों कहता था, इसने वहां मुझे क्यों अपमानित किया था। तो जैसे साधारण व्यक्ति के अंदर ये आदत होती है कि वो इस तरीके की अकाउंट मेकिंग करता है। जैसे आप सोचेंगे कि अकाउंट तो सिर्फ बैंक में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, अकाउंट आपके माइंड में भी होता है। इनफैक्ट आपका माइंड पूरा एक हेडक्वार्टर है जिसमें, बैंक का हेडक्वार्टर है जिसमें सिर्फ अकाउंट ही अकाउंट है। आप सबके लिए तो अकाउंट खोले हुए हैं, किसने कब क्या आपको कहा, सब आप अकाउंट्स खोले हुए हैं। एनलाइटेंड पर्सन के अंदर इस तरीके की कोई अकाउंट मेकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई विक्टिम आइडेंटिटी नहीं रखता। क्यों विक्टिम आइडेंटिटी नहीं रखता? क्यों? क्योंकि उसकी हैप्पीनेस दूसरे के ऊपर निर्भर ही नहीं करती। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसकी हैप्पीनेस तो उसके बेसिक सेल्फ के ऊपर डिपेंड करती। जब मेरी हैप्पीनेस का सोर्स मेरा बेसिक सेल्फ है तो मैं किसी दूसरे से क्यों ग्रज रखूंगा, मैं दूसरे को क्यों दूसरे के अगेंस्ट कोई अकाउंट बनाऊंगा कि अपने माइंड में कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे वैसा क्यों कहा। फिर दूसरी चीज ये है कि इनोसेंस का मतलब ही यही होता है कि आप कभी हर्ट ना हो। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी हर्ट नहीं होते, आप एक थोड़ा मार भी देंगे थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं वो। क्यों वो अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्यों आपसे बदला नहीं लेते हैं बाद में? इसलिए क्योंकि वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो अपने बेसिक सेल्फ से लेते हैं। क्यों वो अपने बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस ले पाते हैं? क्योंकि माइंड उनका थोड़ा पैसिव होता है। तो आप भी बेली ब्रीदिंग और जाप करके अपने माइंड को थोड़ा पैसिव कर सकते हैं। जब माइंड आपका पैसिव हो जाएगा तो क्या होगा? माइंड के पैसिव होने से ये होगा कि आप अपनी हैप्पीनेस बेसिक सेल्फ से लेंगे। जब आप अपनी हैप्पीनेस अपने बेसिक सेल्फ से लेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आप दूसरा व्यक्ति अगर आपको कोई सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, आपको कोई सही बात नहीं कर रहा है, तो आप कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे, विक्टिम आइडेंटिटी नहीं रखेंगे। तो एनलाइटेंड पर्सन कभी भी कोई ग्रज नहीं रखता अपने अंदर, कोई अकाउंट नहीं रखता, उसका माइंड एकदम साफ होता है, माइंड क्लियर होता है, इनोसेंट होता है वो। इनोसेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं, इनोसेंट का मतलब ये है कि हम हर्ट नहीं होते हैं। हर्ट क्यों नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है कि हम जगत गति नहीं समझ रहे हैं, जगत गति समझ रहे हैं, जगत गति समझने के बाद भी हर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा हैप्पीनेस का सोर्स अलग है, दूसरे की हैप्पीनेस के ऊपर मैं निर्भर ही नहीं करता हूं। तो इसलिए एनलाइटेंड पर्सन कभी भी हर्ट नहीं होता, अकाउंट नहीं बनाता, जबकि नार्सिसिस्ट जो है लगातार अकाउंट बनाता है और ग्रजेज रखता है अपने अंदर। ग्रजेज रखने की वजह से उसका माइंड हमेशा चलता रहता है, स्पिन करता रहता है बहुत तेजी से। और एनलाइटेंड पर्सन का माइंड स्पिन करता नहीं है, वो एकदम रिलैक्स रहता है। इससे भी एक प्रेशर क्रिएट होता है नार्सिसिस्ट के ऊपर। नार्सिसिस्ट देखता है कि मेरा माइंड इतना जो है तेजी से चल रहा है, मैं इतना ग्रजेज रख रहा हूँ, मेरी इतनी दुर्गति हो गई है, लेकिन ये व्यक्ति एकदम रिलैक्स है। तो इसकी वजह से नार्सिसिस्ट बहुत डीप कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, और उसके इस तरह से डीप कॉम्प्लेक्स में चले जाने का परिणाम ये होता है कि उसकी खुद की वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो जाती हैं, उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज एक्सपोज हो जाती हैं, और बुरी तरीके से घबरा जाता है। और एनलाइटेंड पर्सन उसकी इन वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसको या तो काउंसिल करता है, और या अगर चाहे तो दबाव में भी ले सकता है। तो ये उसका एक तरीका है उसको डील कर। फिर अगर आप देखें तो एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो बहुत हमेशा सिंसियर कम्युनिकेशन करता रहता है। सिंसियर कम्युनिकेशन इन सिंसियर व्यक्ति के साथ जब आप करते हैं तो वो आपके ही सिंसियर इंफॉर्मेशन को आपके ही अगेंस्ट यूज कर देता है। एनलाइटेंड पर्सन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट के साथ सिंसियर कम्युनिकेशन ही करे, वो इनसिंसियर कम्युनिकेशन भी कर सकता है। एनलाइटेंड पर्सन दोनों तरीके का कम्युनिकेशन कर सकता है, सिंसियर कम्युनिकेशन भी कर सकता है, इनसिंसियर कम्युनिकेशन भी कर सकता है। जैसे इनसिंसियर कम्युनिकेशन क्या है?
इनसिंसियर कम्युनिकेशन ये है कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप तो व्यंग किया मेरे ऊपर कि बहुत दिनों से आप जो है मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे मिल नहीं रहे हैं, तो बजाय इसके कि मैं डिफेंसिव हो जाऊं और उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं कि यहाँ मैं क्यों नहीं मिल रहा हूँ, मेरी यहाँ गलती है, शर्मिंदा हूँ, या मैं उससे ये कहने लग जाऊं कि तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऑफेंसिव हो जाऊं, मैं उसको इनसिंसियर जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका क्वेश्चन भी इनसिंसियर एक्सप्लॉयटेटिव है, वो एक्चुअल जवाब नहीं सुनना चाहता। तो मैंने भी उसको, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, हाँ कई दिनों से मैं मुलाकात नहीं हो पाई है, तो मैंने उसका उसी तरीके से इनसिंसियर जवाब दिया जैसे कि उसने इनसिंसियर तरीके से मुझसे एक्सप्लॉयटेटिव वे में क्वेश्चन पूछा था। तो जो एनलाइटेंड पर्सन होता है उसका सेंस ऑफ सेल्फ उसके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए वो कोई जरूरी नहीं है कि सिंसियर कम्युनिकेशन करे। इनसिंसियर अगर व्यक्ति है तो उससे वो इनसिंसियर कम्युनिकेशन करेगा, सिंसियर व्यक्ति है तो उससे वो सिंसियर कम्युनिकेशन करेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप टॉक्सिक व्यक्तियों के साथ सिंसियर कम्युनिकेशन ना करें, क्योंकि जब आप उससे बहुत सिंसियर कम्युनिकेशन करने लगते हैं तो क्या काम करता है वो, आपकी सिंसियर सिंसियरिटी से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है उसको आपके ही अगेंस्ट वेपनाइज करता है, आपके ही अगेंस्ट यूज करने लगता है। तो एनलाइटेंड पर्सन के अंदर ये टैलेंट, ये मतलब कैपेबिलिटी होती है, वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन को मिसयूज होने से रोकता है, उसकी फायरवॉलिंग करता है, जो जरूरी है वही बोलता है, और बाकी इनसिंसियर कम्युनिकेशन के द्वारा उसकी इस स्ट्रेटजी को यूज करता है इनसिंसियर कम्युनिकेशन की, और अपने आप को सेफ गार्ड करने का काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एनलाइटेंड पर्सन जो है वो इनसिंसियर कम्युनिकेशन इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो लाइफ को पर्सनली नहीं लेता, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, और लाइफ को पर्सनली ना लेने की वजह से, लाइफ को सीरियसली ना लेने की वजह से वो जो उपयुक्त है उसको वो कर सकता है, उसको कर पाता है। और इसका भी कारण यही है क्योंकि वो हमेशा सेल्फ एश्योर्ड है, अपनी हैप्पीनेस के प्रति सेल्फ एश्योर्ड है। क्यों हैप्पीनेस के प्रति सेल्फ एश्योर्ड है, जैसा मैंने अभी बताया कि उसकी हैप्पीनेस उसके बेसिक सेल्फ से आती है, इसलिए वो सेल्फ एश्योर्ड है, इसीलिए वो अपने आप को सेल्फ, अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन कर पाता है। फिर अगली चीज जो एनलाइटेंड पर्सन के अंदर होती है कि जब वो टॉक्सिक लोगों के साथ, नार्सिसिस्ट लोगों के संपर्क में आता है, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि वो नार्सिसिस्ट को और टॉक्सिक लोगों को उनकी टॉक्सिसिटी से ऊपर ले जाए, नार्सिसिस्ट को अपने नार्सिसिज्म से बाहर लाने में मदद करे, वो उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। जबकि नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग क्या काम करते हैं, वो अपनी टॉक्सिसिटी और नार्सिसिज्म के जाल में एनलाइटेंड पर्सन को फंसाने की कोशिश करते हैं, और वो फंसाने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक एनलाइटेंड पर्सन के अंदर दूसरे को लेकर के एक दर्द होता है, एम्पैथी होती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा अवेकेंड होती है ना, बेसिक सेल्फ अवेकेंड होता है, बेसिक सेल्फ का मतलब ये आत्मा, तो आत्मा अवेकेंड होने की वजह से उसके अंदर एम्पैथी होती है, और जब किसी के अंदर एम्पैथी होती है तो नार्सिसिस्ट तुरंत उसको पकड़ने के लिए, स्नेयर करने के लिए, उसको काबू करने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग जो है एनलाइटेंड पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए तुरंत आगे आते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिल सकती है, लेकिन वहां उनको कोई नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिल नहीं पाती, क्योंकि जब वो उसके साथ संपर्क में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक साधारण एम्पैथ की तरीके से नहीं है, एनलाइटेंड पर्सन की जो एम्पैथी है उसके दूसरे को लेकर के जो दर्द है, वो दर्द तो है लेकिन वो कमजोर दर्द नहीं है, वो कमजोर व्यक्ति नहीं है, वो एक स्ट्रांग व्यक्ति है। तो जब वो देखते हैं कि वो एक स्ट्रांग व्यक्ति है तो उनकी समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और इसका जो मूल कारण ये है, एक नार्सिसिस्ट संबंध इसलिए रखता है ताकि वो संबंध से सप्लाई ले सके, संबंध से हैप्पीनेस प्राप्त कर सके, जैसी भी मॉर्बिड हैप्पीनेस वो प्राप्त करना चाहता है वैसी वो प्राप्त कर सके। लेकिन एक एनलाइटेंड पर्सन संबंध से हैप्पीनेस प्राप्त नहीं करता है, वो संबंध इसलिए रखता है ताकि अपने अंदर की हैप्पीनेस को दूसरे के साथ शेयर कर सके, और ये बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो पैदा करती है, क्योंकि वो तो एनलाइटेंड पर्सन तो अपने बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस प्राप्त कर रहा है, तो वो हमेशा उसके अंदर हैप्पीनेस बनी रहती है, एवरी डे इज ए हॉलीडे फॉर हिम, तो वो अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के साथ शेयर करता है, और चूंकि वो दूसरों के साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर करता है इसलिए उसके ऊपर ये दबाव नहीं रहता कि वो दूसरे के टॉक्सिसिटी के जाल में फंसना उसकी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए वो
टॉक्सिक लोगों के ना तो जाल में फंसता है और साथ ही साथ जहां तक संभव हो रहे उनकी मदद भी करता है, क्योंकि उसको उनके ऊपर दया आती है, इसलिए उनकी मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी हैप्पीनेस तो ये छीन नहीं सकते हैं, तो अगर मैं इनकी मदद करूं और ये मुझे धोखा दें तो भी क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उनकी मदद भी करता है और उनके जाल में भी नहीं फंसता। इसका सिर्फ कारण ये है क्योंकि उसका हैप्पीनेस का सोर्स इंडिपेंडेंट है और उनके ऊपर निर्भर नहीं है। वो अपनी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए रिलेशनशिप रखता है, ना कि दूसरे से हैप्पीनेस लेने के लिए रिलेशनशिप रखता है। जहाँ तक एक नार्सिसिस्ट का सवाल है, वो हमेशा एक एनलाइटेंड पर्सन के साथ कम्पीट करने की कोशिश करता है, हमेशा उसके साथ, हमेशा उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाता। इसका कारण यह है क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन का माइंड बहुत ही स्टेबल होता है, और एनलाइटेंड पर्सन चूंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन होता है, इसलिए वो अपनी कंपनी में किसी को भी ह्यूमिलिएट नहीं करने की कोशिश करता है, ना किसी को ओवर इवेलुएट करने की कोशिश करता है, इसलिए सब लोग उसको पसंद करते हैं। जबकि एक नार्सिसिस्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होती। नार्सिसिस्ट सबको ह्यूमिलिएट करता है और उसका खुद का माइंड भी स्टेबल नहीं होता। नार्सिसिस्ट का जहाँ तक सवाल है, तो वो उसके साथ हमेशा एक सीक्रेट सेल्फ प्रमोशन की चाले चलता रहता है। नार्सिसिस्ट हमेशा चाहता है कि जैसे हमास की सीक्रेट टनल्स हैं गाजा स्ट्रिप में, वैसे ही नार्सिसिस्ट की भी सीक्रेट टनल्स होती हैं, जो कि जिससे कोई देख नहीं पाता। उन सीक्रेट टनल्स के थ्रू वो लगातार अपना सेल्फ प्रमोशन करता रहता है, और उसके पीछे उसकी मंशा ये होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति जिससे कि वो इंटरेक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप रख रहा है, उससे बाद में वो एक ज़्यादा स्मार्ट साबित हो सके। लेकिन वो इन सीक्रेट टनल्स उसकी काम नहीं आती हैं एनलाइटेंड पर्सन के सामने, क्योंकि उसकी स्मार्टनेस इनइफेक्टिव हो जाती है एनलाइटेंड पर्सन के सामने। स्मार्टनेस इनइफेक्टिव होने का कारण ये है क्योंकि स्मार्टनेस कुछ मैटर नहीं करती, क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन का हैप्पीनेस का सोर्स उसका बेसिक सेल्फ है और वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति जो है किसी की भी स्मार्टनेस को का बड़ा तथ्यात्मक रूप से या बड़ा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एनलाइटेंड व्यक्ति के सामने कोई बहुत ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति आए, कोई बहुत योग्य व्यक्ति आए, कोई नोबेल प्राइज विनर आए, तो उसका भी वो उसी तरीके से प्रेम के साथ उसके साथ व्यवहार करेगा, जैसा कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उतना योग्य नहीं है, जिसको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं है, तो उसके साथ भी उसका प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा उसी तरीके से जैसा कि एक नोबेल प्राइज विनर के साथ है। इसका कारण ये है क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन किसी की योग्यता के आधार पर उसका मूल्यांकन ही नहीं करता। वो तो मूल्यांकन उसका इस चीज के ऊपर आधारित मूल्यांकन है कि वो एक उसका बिहेवियर कंपैशनेट है दूसरे लोगों के प्रति, क्योंकि वो उसको एक व्यक्ति की तरीके से सम्मान देता है, एक इंडिविजुअल की तरीके से सम्मान देता है, ना कि उसकी योग्यता के आधार पर या उसके पैसे के आधार पर। जबकि नार्सिसिस्ट का जो तरीका है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो दूसरे को उसके अचीवमेंट्स के आधार पर, दूसरे को उसकी पैसे के आधार पर, दूसरे को उसकी प्रोस्पेक्टिव नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहाँ से मिलती है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। तो इस तरीके से वो हमेशा अपने आप को स्मार्ट साबित करने की कोशिश करता है। तो जब वो एनलाइटेंड पर्सन के सामने अपनी स्मार्टनेस दिखाता है, तो उसकी स्मार्टनेस इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन उसको बिना स्मार्टनेस के भी उसका वैसा ही बिहेवियर कर रहा होता है दूसरे जो कम स्मार्ट लोग हैं, जैसा कि उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा होता है। तो इससे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है नार्सिसिस्ट। वो सोचता है कि मेरी स्मार्टनेस तो गैर जरूरी है, क्योंकि दूसरे लोग जो उतने स्मार्ट नहीं है, जिन्होंने अपने आप को उतना स्मार्ट साबित नहीं किया है, उनके साथ भी वैसा ही अच्छा व्यवहार हो रहा है जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और घबरा जाता है, और उसकी अपनी इनर इनसिक्योरिटीज और वल्नरेबिलिटीज रिवील हो जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर साइकोलॉजिकल क्रैक्स विजिबल हो जाते हैं, और उन क्रैक्स की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है इस तरीके के बिहेवियर में, या उसके ऊपर खुद एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। नार्सिसिस्ट अपनी सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, सारे माइंड गेम्स खेलता है एनलाइटेंड पर्सन के सामने, लेकिन नार्सिसिस्ट के सारे मैनिपुलेशन और सारे माइंड गेम्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि तो ये जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं, ये मैनिपुलेटिव टेक्निक्स आपकी काम तभी कर पाएंगी जब सामने वाला व्यक्ति आपके लेवल पर बात कर रहा हो। जबकि एनलाइटेंड पर्सन का बिहेवियर इतना ऑथेंटिक और जेन्युइन होता है कि वो एक
उसकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइनिटी एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिस्टिंक्टिव एनर्जी फील्ड पैदा करती, और वो एनर्जी फील्ड काफी ऊंचे स्तर की होती, काफी उत्कृष्ट होती। उस ऊंची एनर्जी फील्ड के सामने नीची एनर्जी फील्ड के जो मैनिपुलेटिव गेम्स होते हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते। इसलिए तमाम उसकी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज नार्सिसिस्ट की एनलाइटेंड पर्सन के सामने काम नहीं कर पाती। इनफैक्ट लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपका अस्तित्व का स्तर ऊपर उठना होता है, उठता जाता है, तो ज्यादा ऊपर वाले अस्तित्व के स्तर के व्यक्ति की जो एनर्जी फील्ड होती है वो थोड़ी अलग होगी, वो ज्यादा उत्कृष्ट होगी, हाई क्वालिटी की होगी। नीचे वाले स्तर के व्यक्ति की जो एनर्जी फील्ड होगी वो कोर्स होगी, लोअर क्वालिटी की होगी। और नीचे के लेवल ऑफ बीइंग के व्यक्ति की जो चालें हैं, जो स्ट्रेटजी है, वो हायर लेवल के व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे आपके खिलाफ चाल चलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका लेवल ऑफ बीइंग उनके लेवल ऑफ बीइंग से ऊंचा है, आप एक डिस्टिंक्ट एनर्जी फील्ड से ऑपरेट करते हैं। वैसा ही एकदम सिचुएशन यहाँ है। एक एनलाइटेंड पर्सन की जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो जेन्युइन बिहेवियर है, वो एक हायर लेवल ऑफ बीइंग से निकलता है। उसकी एनर्जी फील्ड बहुत ही अलग तरीके की है, डिस्टिंक्टिव हाई क्वालिटी एनर्जी फील्ड है। तो नार्सिसिस्ट का जो बिहेवियर है, मैनिपुलेटिव टेक्निक है, जो एनर्जी फील्ड है वो लोअर कैटेगरी की है। लोअर कैटेगरी की जो एनर्जी फील्ड है वो हायर कैटेगरी की एनर्जी फील्ड को टच नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज, माइंड गेम्स एनलाइटेंड पर्सन को टच नहीं कर पाते। तो अगर आप भी ये बेली ब्रीदिंग और जाप की टेक्निक्स को यूज करके अपने माइंड को पैसिव करेंगे और अपनी इनर सेल्फ अवेयरनेस को एक्टिव करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका भी लेवल ऑफ बीइंग ऊपर उठना शुरू हो गया और आप एक डिस्टिंक्टिव एनर्जी फील्ड क्रिएट कर पाएंगे। उस एनर्जी फील्ड में नार्सिसिस्ट के जो माइंड गेम्स हैं वो बचकाने नजर आएंगे और उनका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एनलाइटेंड पर्सन जो होता है उसकी लाइफ का जो पर्पस होता है, वो पर्पस बहुत ही क्लियर पर्पस होता है, उसमें बड़ी क्लैरिटी होती है और जीवन के बारे में भी उसके अंदर बड़ा क्लैरिटी होती है। और जिसके अंदर जीवन को लेकर के क्लैरिटी होगी उसके उद्देश्य बड़े क्लियर होंगे। नार्सिसिस्ट क्या काम करता है कि वो इमोशनल पेन दे करके दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वैसा ही इमोशनल पेन वो एनलाइटेंड पर्सन को भी देने की कोशिश करता है और कभी कभी सफल भी होता है। लेकिन एनलाइटेंड पर्सन अपने इमोशनल पेन को लेकर के कभी सीरियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इमोशनल पेन को लेकर के वही सीरियस होगा जिसकी लाइफ में एम नहीं होता है, जिसकी लाइफ में क्लियर गोल नहीं होता, जिसकी लाइफ का क्लियर पर्पस डिफाइंड नहीं है। चूंकि एनलाइटेंड पर्सन का जो है लाइफ का एम, पर्पस, गोल क्लियरली डिफाइंड होता है, तो इसलिए कोई भी इमोशनल पेन जो उसके मेन पर्पस से सिंक में नहीं है उसको सीरियसली नहीं लेता, उसको इग्नोर कर देता है, उसको श्रग ऑफ कर देता है, उसको अवॉइड कर दे, इग्नोर कर देता है। तो इसलिए नार्सिसिस्ट कभी भी पूर्ण सफलता के साथ एक एनलाइटेंड पर्सन को इमोशनल पेन नहीं दे पाता। जब नार्सिसिस्ट को देखता है एक एनलाइटेंड पर्सन कि वो किस तरीके से दूसरे लोगों को शिकार बना रहा है, तो एनलाइटेंड पर्सन उन दूसरे लोगों को, अगर वो उसके जानने वाले हैं, तो उन्हें काउंसिल करता है, उनको भी समझाता है, उनको जाप करने की टेक्निक बताता है, बेली ब्रीदिंग की टेक्निक बताता है, उनको ये बताता है कि किस तरीके से वो अपने माइंड को पैसिव करके अपनी इनर कॉन्शियसनेस को या अपनी इनर अवेयरनेस को एक्टिव कर सकते हैं और वहां से हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं अपने बेसिक सेल्फ में जा करके। ये उन्हें गाइड करता है ताकि वो उनके मकड़ जाल से बाहर निकल सकें। और उसका कारण ये है क्योंकि एक एनलाइटेंड पर्सन के अंदर जो एम्पैथी होती है, दूसरे के दर्द को महसूस करने की उसके अंदर जो क्षमता होती है, वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की और बड़ी एलिवेटेड तरीके की होती है। तो नार्सिसिस्ट का ना सिर्फ एक एनलाइटेंड पर्सन नार्सिसिस्ट का ना सिर्फ मुकाबला करता है, बल्कि उसके दूसरे टारगेट्स को भी, दूसरे शिकार बने हुए लोगों को भी काउंसिल करता है, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है और उनकी मदद करता है। एनलाइटेंड पर्सन के अंदर लगातार सीखने की क्षमता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट कुछ नई ऐसी टेक्निक्स लेकर के आता है जिस टेक्निक का कोई भी शिकार बन सकता है, तो एनलाइटेंड पर्सन भी उसका टेक्निक का शिकार बन सकता है। क्योंकि देखिए, आप बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस ले रहे हैं ये एक चीज है, और ऑथेंटिक बिहेवियर क्या है ये सीखना दूसरी चीज है। ऑथेंटिक बिहेवियर हम जीवन जी करके उसके अनुभवों से ही सीखते हैं,
हैप्पीनेस एक दूसरी चीज है, ऑथेंटिक बिहेवियर एक दूसरी चीज है। हालांकि अगर आपके अंदर बेसिक सेल्फ से हैप्पीनेस आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक बिहेवियर में मदद करती है, लेकिन ऑथेंटिक बिहेवियर सबको सीखना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट एक एनलाइटेंड पर्सन को इस तरीके से हिट करे जिससे कि उसको कहीं चोट पहुंचे, तो इससे एनलाइटेंड पर्सन बिल्कुल घबराता नहीं है। वो इसको एक चैलेंज की तरीके से लेता है और उसको ठीक से उसकी स्ट्रेटजी को मॉनिटर करता है, उसको समझने की कोशिश करता है और ये देखने की कोशिश करता है कि कहाँ उससे डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हुई, और फिर से अपनी डिसीजन मेकिंग को सही कर लेता है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट के स्ट्रेटजीज को कभी भी एक एनलाइटेंड पर्सन सीरियसली नहीं लेता, कभी भी उसका सेंस ऑफ सेल्फ उससे ऑफेंडेड नहीं होता। अगर कहीं छोटे मोटे हर्ट्स हैं तो उससे उसकी उन टेक्निक्स को सीखता है और सीखने के बाद आगे से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और इग्नोर कर देता है, श्रग ऑफ कर देता है और इस तरीके से आगे मूव करता रहता है और सीखता रहता है। तो इस तरीके से एनलाइटेंड पर्सन का मुकाबला कोई नार्सिसिस्ट कभी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन अपनी ऑथेंटिसिटी का लगातार विकास करता रहता है, अपने आसपास के लोगों की टेक्निक्स को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके वो लगातार अपना विकास करता रहता है। यही नार्सिसिस्ट में और एक एनलाइटेंड पर्सन के अंदर अंतर होता है, क्योंकि एनलाइटेंड पर्सन का विकास हमेशा होता है क्योंकि वो जीवंत है अंदर से। नार्सिसिस्ट का विकास कभी नहीं होता क्योंकि नार्सिसिस्ट अंदर से मरा हुआ है, उसका टाइम रुक गया है, उसके अंदर कुछ विकास नहीं होता, वो कुछ नया नहीं सीख सकता। जबकि एक एनलाइटेंड पर्सन अंदर जो है एक नवजात शिशु की तरीके से लगातार ग्रो करने की उसके अंदर क्षमता है, वो नई नई टेक्निक सीखता रहता है, दूसरे के हर्ट से सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, जानवरों से सीखता है, सबसे सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए वो हमेशा नया बना रहता है। सेल्फ ट्रस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है ऑप्टिमिज्म या आशा होना। तो उसकी यही आशा उसको लगातार मूव करती रहती है और आगे बढ़ाती रहती है जीवन में, और वो नई नई चीजें भी सीखता रहता है, हर एरिया में सफल होता जाता है अपने इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से। और इसीलिए नार्सिसिस्ट कभी उसको दबा नहीं पाता क्योंकि लगातार उसका विकास होता रहता है। एनलाइटेंड पर्सन के जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो इनर बाउंड्रीज होती हैं, जो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। आप उसकी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं कर सकते। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का मतलब ये है कि आपके अंदर की ये क्षमता कि कब ना कहना है। तो एनलाइटेंड पर्सन ये जानता है कि कब ना कहना है। जैसे ही उसकी ऑटोनॉमी के ऊपर, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर कोई चोट करता है तो उसे पता है कि कब ना कहना है, क्योंकि उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपनी आत्मा को नहीं बेचता कभी। जबकि एक साधारण व्यक्ति के साथ क्या होता है, साधारण व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, नार्सिसिस्ट अटैक करता है। अटैक उसका किस प्रकार का अटैक है? वो धीरे धीरे डिस्टेंस कम करता जाता है, टारगेट से अपनी डिस्टेंस कम कर देता है, टारगेट के बीच में घुल मिल जाता है, टारगेट की बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ब्रेक कर देता है, टारगेट की शिकार की जो टेरिटरी है उसके अंदर, इनर टेरिटरी के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है। वहां से जाकर के सारी वाइटल इंफॉर्मेशन नार्सिसिस्ट निकाल ले आता है और उन इंफॉर्मेशन को उसी टारगेट के अगेंस्ट वेपनाइज कर देता है, उनके ही अगेंस्ट यूज करता है। तो इस तरीके से वो दूसरे लोगों को डिपेंडेंट बना लेता है नार्सिसिस्ट और उनको टॉर्चर करता जाता है। लेकिन एक एनलाइटेंड पर्सन की बाउंड्री बहुत ही स्ट्रांग होती है। एनलाइटेंड पर्सन जो है वो कभी भी घुलता मिलता नहीं है किसी से बहुत ज्यादा, हालांकि वो उसका बिहेवियर सोशियेबल होता है, ए सोशल नहीं होता, सामाजिक व्यक्ति की तरीके से जीता है, हंसता है, मुस्कुराता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि कब ना कहना है। इसका कारण ये है क्योंकि जो आपका इनर सेल्फ है उस इनर सेल्फ की एक क्वालिटी है। इनर सेल्फ आपका जो है सारी चीजों में मिला होने के बावजूद भी सबसे अलग है, डिटैच्ड है, माइंड से अलग है। तभी आप देखिए जब आप अपने इनर सेल्फ में होते हैं तो आप हर बदलती हुई चीज को देख सकते हैं, आप अपने विचार को भी बदलता हुआ देखते हैं, आप अपने शरीर को भी बदलता हुआ देखते हैं, आप अपनी भावनाओं को भी बदलता हुआ देखते हैं, आप अपने मूड को भी बदलता हुआ देखते हैं। आप इन सब चीजों को बदलता हुआ क्यों देख पाते हैं? क्योंकि आप इनसे अलग हैं, तभी तो आप इनको बदलता हुआ देख पाते हैं। तो एक एनलाइटेंड पर्सन जो है वो जानता है कि मैं इन सब चीजों से अलग हूँ, माइंड से अलग हूँ, बॉडी से अलग हूँ, इमोशन से अलग हूँ, थॉट से अलग हूँ, जजमेंट से अलग हूँ, सब चीज से अलग हूँ। तो वो डिटैच्ड रहता है, और जो डिटैच्ड होगा वो एक तरीके से परमार्थिक सत्य में जीता है, और वो चूंकि डिटैच्ड है इसलिए इमोशंस उसको टच नहीं कर पाते।
और चूंकि इमोशंस उसे टच नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इमोशनल पेन भी उसको टच नहीं कर पाता है, और इमोशनल पेन और टॉर्चर के ना टच कर पाने की वजह से वो हमेशा शक्तिशाली रहता है और एक अति सशक्त बाउंड्रीज बना पाता है। और जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके पर्पस को हर्ट करे या उसकी और किसी जीवन में प्रॉब्लम पैदा करे, तो तुरंत ना कहता है, क्योंकि इमोशनल टॉर्चर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा डिटैच बना रहता है। इसी कारण वो अपनी बाउंड्रीज भी बना पाता है। तो जब आप बेसिक सेल्फ में जिएंगे, तभी आप ना कह पाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। और ना जब तक आप नहीं कहेंगे, तब तक आप बाउंड्रीज अपनी ठीक से नहीं बना पाएंगे। तो बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है, एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ जीना जरूरी है, ताकि कोई भी कहीं आपके अंदर आके ना घुल मिल जाए और आपके अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दे, आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके ही विरुद्ध यूज करने लग जाए। तो एक एनलाइटेंड पर्सन के अंदर बहुत ही स्ट्रांग बाउंड्रीज होती हैं, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और नार्सिसिस्ट उसकी कभी भी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं कर पाता है। एक एनलाइटेंड पर्सन की सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर उसका कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होता है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ और लॉजिकली बात कह पाता है। क्लैरिटी के साथ और लॉजिकल हम बात कब कह पाते हैं? क्लैरिटी और लॉजिक के साथ हम बात तब कह पाते हैं जब हम जेन्युइन और ऑथेंटिक व्यक्ति होते हैं और हम सच्चे व्यक्ति होते हैं, तब हम क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अपनी बात को कह पाते हैं। और जब हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होता है, तो इसका नतीजा ये होता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उनको हर बात का सही जस्टिफिकेशन मिल पाता है। अब मैं जो अगर मैं एक एनलाइटेंड पर्सन हूं, तो मैं जो भी बात कहना होगा उसका क्लियर जस्टिफिकेशन दूंगा, क्लियर लॉजिक दूंगा, क्लियर उसका कारण बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, दूसरे लोग समझ जाते हैं कि ये एक पारदर्शी व्यक्तित्व का आदमी है, ये एक ऑब्जेक्टिव व्यक्ति है, तथ्यात्मक व्यक्ति है, विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से नहीं चलता। तो इससे मैं लोगों का सपोर्ट इकट्ठा कर पाता हूँ। जबकि नार्सिसिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। नार्सिसिस्ट चूंकि मैनिपुलेटिव होता है, उसका सेल्फ जो है वो अनस्टेबल होता है, ब्रोकन होता है, तो इसके कारण वो किसी भी चीज के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देता। उसकी हर चीज में एक ब्रेक होता है, हर चीज में कुछ चीजें कंसील करता है, कुछ चीजें रिवील करता है, कुछ छुपाता है, कुछ बताता है, तो दूसरे लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते और उसकी कंपनी में अच्छा नहीं महसूस कर पाते। जबकि नार्सिसिस्ट कि इस तरीके की आदतों के ठीक विपरीत, एनलाइटेंड पर्सन दूसरों के साथ एक अच्छा रैपो बना पाता है। क्यों? क्योंकि वो क्लियर कम्युनिकेशन रखता है, और इस कारण लोगों का एक अच्छा सपोर्ट उसके साथ रहता है, और इस कारण भी नार्सिसिस्ट की कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ज्यादा कुछ उसके सामने बोल सके।